चलिए आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 जो है पुराने सिलेबस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल दिया हुआ था, तो इसको हम समझेंगे। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्ट्रक्चर है, यानी डेटाबेस की डिज़ाइन करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से कैसे बनाया जाता है, इसमें कुछ टॉपिक हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट टाइप, एट्रीब्यूट टाइप, रिलेशनशिप टाइप। अब ये सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता है कि मैं क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ और वॉइड मेन में बना रहा हूँ इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, A1, ये A1 ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि क्लास के अंदर हम यहाँ पर वेरिएबल्स बनाते थे जिनको डेटा मेंबर कहा जाता था, उनको एट्रीब्यूट कहा जाएगा। तो डेटा मेंबर्स जो हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं, तो उन्हीं को हमको रिलेट करके आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर बिहेवियर का कंसेप्ट भी जानना है। ठीक है, बिहेवियर किसको कहलाते हैं, जो ये फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन जो दिख रहा है, ये बिहेवियर कहलाता है आपका। क्लियर है? तो बिहेवियर जो है हमारा फंक्शन, इसको हम बिहेवियर बोलेंगे। और बिहेवियर कितने टाइप के होते हैं ये भी हमको देखना है। साथ ही साथ हमको एट्रीब्यूट के बारे में जानना है, एट्रीब्यूट कितने टाइप के हैं, बिहेवियर कितने टाइप के हैं, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हैं, और साथ ही साथ इनके दो क्लास के बीच में अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि दो क्लास है तो उनके बीच में ऐसा इनहेरिटेंस होता है, ये इनहेरिटेंस है। तो इन क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप्स जो क्रिएट हो रहे हैं उनको हम, जो इनहेरिटेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें पहले भी पढ़ रखी है, केवल नाम अलग था। इसको डेटा मेंबर कहते थे, अब एट्रीब्यूट कहेंगे, इसको फंक्शन कहते थे, अब बिहेवियर कहेंगे। इनके बीच में जो इनहेरिटेंस होता था उसको हम रिलेशनशिप कहेंगे, और ये ऑब्जेक्ट होगा इसको, ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही कह रहे हैं इसमें। तो क्लियर, आप देख पा रहे हैं कि उसी का नाम चेंज कर दिया गया है, ऑब्जेक्ट के टाइप, एट्रीब्यूट के टाइप, रिलेशनशिप के टाइप, बिहेवियर का कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है, उसी को हमको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिज़ाइन जो है, उसमें कुछ टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे थे कि ये सारे टॉपिक्स हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन है उससे हम स्टार्ट कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। इसको हम कहते हैं उप्स के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कुछ कंसेप्ट जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस आदि सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। इनके बारे में तो हम पहले भी पढ़ रखे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के रूप में डिवाइड करके बनाया जाता है, और सारे सारे ऑब्जेक्ट को हम कंबाइन करके एक बड़ा प्रोग्राम बना देते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप टाइप की। इनके इन ऑब्जेक्ट्स को हम जोड़ते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उनमें जो रिलेशनशिप होता है वो कितने टाइप का होता है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। रिलेशनशिप टाइप की बात करें तो रिलेशनशिप टाइप जो है वो हमारे पास दो तीन टाइप का होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पहला रिलेशनशिप टाइप है, यहाँ ये हायरार्किकल रिलेशनशिप टाइप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हायरार्किकल रिलेशनशिप टाइप जो होता है उसमें एक सुपर एंटिटी होती है और उसके नीचे इस तरीके से ट्री स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें जुड़ती जाती है। तो ये जो रिलेशनशिप टाइप इस टाइप का क्रिएट हो रहा है इसको हम हायरार्किकल रिलेशनशिप कहते हैं। तो रिलेशनशिप पहला जो टाइप है रिलेशनशिप का वो है हायरार्किकल रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप के टाइप, जैसे एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप जो है वो कितने टाइप के होते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि तीन टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। पहला जो है वो है हायरार्किकल, दूसरा है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब होता है वन टू वन कनेक्टिविटी, इससे डायरेक्ट ये कनेक्टिविटी होगी।
तो ये वन टू वन कनेक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। तो ये पीयर टू पीयर रिलेशनशिप है। और अगला रिलेशनशिप टाइप आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिखेगा जो थर्ड वाला है। तो इसको ये थ्योरी क्वेश्चन है और इसको डायग्राम बना बना करके हमको दिखाना होता है। तो तीन टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, हायरार्किकल, पीयर टू पीयर और सपोर्टिव टाइप रिलेशनशिप टाइप। देखिए सपोर्टिव टाइप रिलेशनशिप टाइप, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप टाइप। मैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको दिखेगा कि ये वाला क्वेश्चन रिलेशनशिप टाइप हर बार पूछा जाता है लगभग। तो आपको पता है कि रिलेशनशिप टाइप जो है वो VC++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिज़ाइन में तीन टाइप का होता है। और इन तीनों टाइप को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला है हायरार्किकल जिसका डायग्राम ये है, दूसरा है पीयर टू पीयर जिसका डायग्राम ये है, और तीसरा है सपोर्टिव टाइप रिलेशनशिप टाइप। सपोर्टिव टाइप रिलेशनशिप टाइप में ऐसा सर्कल जैसे बना रहता है, ये इसको सपोर्ट करता है, ये इसको सपोर्ट करता है, देन इस टाइप से सर्कल चलते रहता है, ये सपोर्टिव टाइप रिलेशनशिप कहलाता है। पिक्चर अभी थोड़ी क्लियर नहीं है, नेक्स्ट क्लास में और क्लियर PDF देखेंगे, इस टॉपिक को रिपीट कर लेंगे। फिलहाल अभी आज हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिज़ाइन में रिलेशनशिप टाइप जो है वो कितने टाइप की होती है। रिलेशनशिप टाइप को और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप के रिलेशनशिप टाइप को ऐसा डायग्राम से भी दिखाया जाता है, जैसे पिरामिड रिलेशनशिप टाइप्स भी होती हैं जो पिरामिड शेप में होती है। तो इनको और हम कल इसको और डिटेल में देख लेंगे, आज हम अभी एंड करते हैं।